प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में साझा किए अपने विचार, कहा अमृतकाल में एक नई उमंग और तरंग। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें संस्करण की उत्सुकता से कर रहे प्रतीक्षा। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती का किया उद्घाटन। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट SCR, डिजिटल कोर्ट 2.0 और सर्वोच्च न्यायालय की नई वेबसाइट की हुई शुरुआत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज और कल महाराष्ट्र, पुदुचेरी और तमिलनाडु के दौरे पर। महाराष्ट्र में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 84वें सम्मेलन के समापन समारोह को किया संबोधित। उद्घाटन सत्र में 26 पीठासीन अधिकारियों ने लिया भाग। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव तैयारियों में जुटी। 23 राज्यों में चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी की सूची की जारी। यस बैंक ने 2023-24 के अक्टूबर से दिसंबर तिमाही का किया ऐलान। नेट प्रॉफिट 349.7% बढ़ा। भारतीय रियल एस्टेट में विदेशी निवेशकों का निवेश 2023 में 30% घटकर $2.73 अरब रहा, लेकिन घरेलू निवेशकों से ये प्रवाह दो गुना से अधिक बढ़कर $1.51 बिलियन हुआ। घरेलू विमानन कंपनी अकासा एयर ने CFM इंटरनेशनल के साथ किया समझौता। इसके तहत अकासा एयर अपने 150 बोइंग 737 मैक्स विमानों के लिए 300 से अधिक CFM लीप 1B इंजन खरीदेगी। अमेरिकी ब्रिटिश समुद्री संगठन ने यमन के लाल सागर बंदरगाह शहर हुदेइदा में हुथी ठिकानों पर दो किए हमले। US सेंट्रल कमांड ने कहा हुथी मिसाइल के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए की गई जवाबी कार्रवाई। उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों तक उत्तर भारत में घने कोहरे का येलो अलर्ट किया जारी। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल का जीता खिताब। फाइनल में इस जोड़ी ने इटली के सिमोन बोलेधी और एंड्रिया वबासोरी की जोड़ी को लगातार सेट में 6-7, 5-6 से दी शिकस्त।